एनजीटी में आज गंगा एक्शन प्लान के अमल को लेकर एनजीटी में सुनवाई जारी रहेगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान तमाम विभागों ने बताया कि एनएन रॉय सेंट्रल वाटर कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर से मार्च तक गंगा में 20%, अक्टूबर से अप्रैल तक 25% और मई से सितंबर तक 30% बहाव रहना ही चाहिए। सभी विभागों ने माना कि गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में हरिद्वार से कानपुर तक भूजल के अत्यधिक दोहन से बुरा असर पड़ा है और इस पर रोक की जरूरत है। बेंच ने आज उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग को आदेश दिया है कि 3 हफ्ते में सीवर लाइनें साफ कर दी जाएं और उसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाए।